हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपने आईओटी के 21 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा आईओटी का लेक्चर नंबर 22 है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या यूज होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर का और कैसा दिखता है, ये सब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग पुश बटन के बारे में बता दिया, प्याजो के बारे में बता दिया और कैसे पुश बटन से एलईडी वगैरह ब्लिंक होती है, सब कुछ मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लीजिए। और आज से जो आपको पता है कि जो पहले के जितने प्रोग्राम थे वो काफी इजी प्रोग्राम थे, लेकिन अब थोड़े से कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में जानेंगे कि आखिर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर होता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो अल्ट्रासोनिक जो सेंसर होता है वो क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये हमारा ये हो गया, या सीधी सीधी बात करें कि यहाँ पे दो यहाँ पे क्या है, सीधे डिस्टेंस है, सपोज ये ए है और ये क्या है आपका बी है, ए से बीच के बीच की जितनी भी क्या होगी दूरी होगी वो निकालने का काम हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर करता है। और जो हम लोग इस प्रोग्राम में देखेंगे वो इस तरह से होगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, किससे, अल्ट्रासोनिक के द्वारा, इस तरह से। तो वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे हम लोग वर्क करते हैं, तो वो आपका क्या होता है अल्ट्रासोनिक। तो सीधी सी बात है, क्या करते हैं, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस फाइंड करने का काम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहले तो आपको पता हो अल्ट्रासोनिक सेंसर दिखता कैसे है, तो मैं आपको टिंकर कैट पे आके डायरेक्ट दिखा देता हूँ। सीधा सीधा आपको आएंगे यहाँ पर टिंकर कैट पे, तो टिंकर कैट पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट इस पे क्लिक करिए, ये वाला आप आ जाइएगा, ये वाला इस तरह का दिखता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो इसमें क्या होता है, आप ऊपर एक ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां से क्या होती है रेज निकलती है और यहाँ पे क्या होती है वो रेज क्या करती है उसकी डिस्टेंस को मेजर करता है। सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, तो जो लोग भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में बगने हुए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके, ऑल पे सेट करके प्रेस करिए, जिससे जो भी आपको अपडेट मिलेगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारी जो क्लासेस अपलोड होती है वो डेली शाम के 6:30 बजे अपलोड होती है। और अभी तक हम लोग अपने आईओटी के 22 नंबर का आज ये लेक्चर है, 21 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने पाइथन की क्लासेस नहीं देखी है, पाइथन की क्लासेस भी देख लीजिए, सारी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं काफी हार्ड है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं उनको बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं, आपने ये सेंसर देख लिया, इस तरह का ये सेंसर होता है आपका अल्ट्रासोनिक। तो ये अल्ट्रासोनिक जो सेंसर है, अगर मान के चलिए डायग्राम से अगर हम लोग समझते हैं, तो मैंने आपको बोल दिया कि ये आपका जैसे कि एक यहाँ पे आपका ए हो गया और दूसरा यहाँ पे आपका बी हो गया, तो इसके बीच की दूरी जो हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए इस तरह से हमने यहाँ पे वन मिनट ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो मेजर करना है, तो यहाँ पे आपको पता ही है एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मेजर करने का, आप लोगों को पता होगा वो वाला फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए अगर हमारा क्या है और बी भी हमारे पास है, तो अगर ए एक पर्सन है और एक पर्सन क्या चल रहा है, सो यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड के साथ, 100 जो भी अपन लोग, जैसे कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पे कैसे देना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन है, 100 मीटर कितना चल रहा है, एक मिनट में ये 100 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट में कितना चलेगा, 200 मीटर, 3 मिनट में कितना चलेगा, 300 मीटर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम अगर आपको पता है तो आपको पता है डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड, कितनी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अगर वो 100 मिनट पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है तो आप समझ जाइए 100 मिनट पर सेकंड, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हो। वो हमारा डिपेंड करता है, अगर आप लोगों ने वो जो चैप्टर होता है डिस्टेंस वाला उसके अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना वही होता है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, कितने टाइम में वो पहुंचा है और कितनी स्पीड में पहुंचा है, तो इससे अपने को क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, अगर 3 मिनट का उसने टाइम लिया है और जो स्पीड अगर उसकी कितनी रही होगी, हम लोग देख सकते हैं कि स्पीड अगर उसकी 100 मिनट पर सेकंड, जो आपकी अगर 3 मिनट में अगर लिया है, तो अगर वो क्या कर रहा है, 100 जो आपका मिनट रहेगा, ठीक है, 100 मीटर रहेगा पर मिनट, वो कितना चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है। मान के चलिए, चलिए एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ मैं आपको, एक पर्सन है, ठीक है, मान के चलिए वो पर्सन क्या है, हमने यहाँ पे ले लिया एक पर्सन है एक्स, जो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बी तक की, वो डिस्टेंस कितने में पूरी कर रहा है आपका, हमने मान लिया 3 मिनट इसको लग रहा है, ठीक है, पूरा करने में, यहाँ की जो डिस्टेंस है वो पूरा करने में उसको लग रहा है 3 मिनट। तो जब वो यहाँ पे पहुंचा है तो उसने को कितना टाइम लग गया, यहाँ पे 3 मिनट उसको लगे। ठीक है, अब जब उसको 3 मिनट्स लगे और हमने मान के चलो कि जो वो चल रहा था, ठीक है, वो चल रहा था 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, वो चल रहा है 100 मीटर, तो उसकी जो स्पीड हो गई, वो स्पीड कितनी हो गई उसकी, 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर पर
ठीक है, मिनट 100 मीटर पर मिनट ये कहलाएगा। तो 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है और उसको 3 मिनट लगे, तो आप डिस्टेंसेस की कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हमारा एक चैप्टर होता है साइंस में, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू जो कि अपना कहलाता है डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो यहाँ पे हमने कहा टाइम इंटू स्पीड, ठीक है, टाइम इंटू स्पीड। इसके द्वारा अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आप लोग खुद बता देंगे कि कितनी डिस्टेंस उसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए टाइम कितना लगा उसको 3 मीटर और उसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ 3 मिनट टाइम लगा और 100 मीटर पर मिनट से चला, तो दूरी कितनी हो गई उसकी 300। ठीक है, तो जो दूरी कहलाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 300 मीटर उसकी दूरी कहलाएगी। तो जो यहां से यहां तक की दूरी है कितनी, 300 मीटर। तो यहां पे मैंने आपको समझाया कि एक पर्सन जो चला है, बस आपका जो अल्ट्रासोनिक रहता है वो क्या बताता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है। अब जैसे कि यहां पे अल्ट्रासोनिक सेंसर आपके सामने है, तो यहां से क्या होता है जो वेव्स होती है वो वेव्स निकलती है, तो जो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा होगा उस ऑब्जेक्ट से क्या होगा पता चलेगा, और यहां पे जो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, इसको देते हैं। एक और एग्जांपल है, मान के चलिए ये आपका क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर ही है। ठीक है, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को हमने इस तरह से बनाया, वन ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, वन मिनट, और चलिए एक आपका ये हो गया। ठीक है, दो हमने उन्हें यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, जैसे हमने इसको स्टार्ट करेंगे, और इसमें हमारी 4 पिनें होती है, मैं आपको बता देता हूं, वीसीसी, ग्राउंड, ट्रिग और इको। ठीक है, यहाँ पे 4 पिनें होती है, वीसीसी आपको पता है कहां से देना है, ग्राउंड भी पता है, जो ट्रिग पिन होती है यहां से हम स्टार्ट, जैसे हम इस पिन को क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं इस पिन का। ठीक है, जो टीआरजी पिन का हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कनेक्शन करते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, सब मान के लिए टीआरजी पिन है यहाँ का, मैंने कनेक्शन कर दिया, और दूसरी इको पिन होती है, इको पिन का भी कनेक्शन हम लोग करते हैं। जैसे हमने टीआरजी पिन को जोड़ दिया, इको पिन को जोड़ दिया, अब क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे इको जो टीआरजी ट्रिग पिन होती है, ट्रिगर बोलते हैं, ट्रिग पिन होती है, उसको हम लोग जैसे ही उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इमीडिएटली क्या होता है, वहां से हमारा जो वेव्स होती है, वेव्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो वेव्स होती है वेव्स आपके निकलना स्टार्ट हो जाती है, और जब तक हम ये वेव्स क्या करते हैं, जब तक हम इस वेव्स को क्या है रोकते नहीं है, तब तक वेव्स आपकी निकलती रहेंगी। बट जब हम अपने वेव्स को क्या करेंगे, रोकेंगे, तो इस साइड पर हमें क्या पता चलेगी, डिस्टेंस, जो हमारा ये सेकंड वाला बना हुआ है, ये सेकंड जो है ये हमें क्या देता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। और ऑब्जेक्ट आपका यहां रहेगा, इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, तो जो भी आपका जो भी सेंटीमीटर में आएगी, जो भी आपकी आएगी, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मान लीजिए जो भी आपका आएगा वो आपका यहां पर पता चलेगा। ठीक है, यही सब कनेक्शन आज हमें देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कितनी दूरी पर है, तो उस दूरी को निकालने का काम हमारा कौन करता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर करता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से इस पर वर्क करना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, और इसमें जो हमारा साउंड की स्पीड होती है वो आपको मैं पहले बता देता हूं कि साउंड की स्पीड अपन को जो लेनी है, वो साउंड की स्पीड हम लोग यहां पे लेंगे 0.034। ठीक है, जो साउंड की स्पीड है, क्योंकि जो वर्किंग प्रोसेस होती है इसकी, वो होती है माइक्रो सेकंड में वर्किंग काम करता है। अल्ट्रासोनिक जो होता है वो किसमें काम करता है, माइक्रो सेकंड में वर्क करता है, और जो स्पीड होती है उसकी, साउंड की स्पीड वो होती है 0.034। ठीक है, 0.034 ये उसकी होती है आपकी साउंड की स्पीड। ठीक है, तो 0.0 ठीक है, और ये हमारी होती है साउंड की स्पीड, किसमें होती है, माइक्रो सेकंड में, याद रखिएगा। इसमें जो भी काम होगा माइक्रो, मतलब अगर हम लोग डिले भी देंगे तो डिले भी आपका किसमें जाएगा, वो माइक्रो सेकंड में ही जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। तो कुछ ये अभी हम लोग यूज करने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि ये फिक्स रहता है, तो ये हम लोगों को डायरेक्ट मैं इसको कैलकुलेशन में लगा दूंगा। ठीक है, जब हम लोग यूज करेंगे तो उस तरह से हम वर्क करेंगे। एक हमारा एक फंक्शन भी हम इसमें नया पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता है आप लोग बॉयड लूप के अंदर आप लोग डिजिटल राइट जानते हैं। ठीक है, डिजिटल रीड के बारे में भी हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। ठीक है, यहां पर आप लोग को जैसे कि पढ़ने के लिए मिलेगा एक नया फंक्शन है, जो कि रहेगा आपका पल्स इन फंक्शन, के बारे में जानेंगे कैसे हम लोग यहां से वेव्स निकलती हैं, वो सब मैं आपको कोडिंग में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपके सामने अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इस तरह से वर्क करते हैं। अब हमें लेकिन रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है, हमें ब्रेडबोर्ड भी चाहिए, हमें आर्डिनो भी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो कोशिश करिएगा अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप लोग वीडियो को क्या करें, रिवर्स करके जरूर देख लीजिए, तो आप लोगों की जो भी कंफ्यूजिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, डिटेल में मैं बता रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्रेडबोर्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, ब्रेडबोर्ड सर्च करूंगा, तो यह रहा आपका ब्रेडबोर्ड, जस्ट यहाँ से लाए, स्क्रॉल करके यहाँ पे ले आए। ठीक है, ब्रेडबोर्ड आने के बाद अब आपको पता ही, अब तो आप लोगों को ब्रेडबोर्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज हो चुकी है, कनेक्शन वगैरह आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब करते कैसे, थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको क्लोज करके बताता हूं।
देखिए सबसे पहले काम करते हैं, आपने एक चीज देखी, और हाँ एक चीज याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर के अंदर चार पिन होती है, वीसीसी पावर के लिए, ठीक है, ये ट्रिगर है आपका, ये इको है और ये आपका जीएनडी, ठीक है। वीसीसी आपको पता ही है और ग्राउंड भी आपको पता है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम यहां से वीसीसी ले लेते हैं। आपको पता है 5 वोल्ट का करंट ऑलरेडी है हमारे पास इसमें से, तो हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड से 5 वोल्ट दे देते हैं। कहां पे देना है हमें 5 वोल्ट देना है, आई थिंक जहां पर हम लोग जोड़ना चाहें, अभी तो हमने कनेक्शन नहीं किया तो कोई टेंशन लेना नहीं है हमें, हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ग्राउंड है, ग्राउंड पे भी आए हैं, ग्राउंड पे आने के बाद जस्ट यहाँ पर आए और ग्राउंड को हमने दे दिया मान के चलिए, क्योंकि अभी तो हमने अपना अल्ट्रासोनिक को कनेक्ट ही नहीं किया तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा कनेक्ट करना है कि दोनों में जाए, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं कलर चेंज कर देते हैं, ग्राउंड को मैंने रेड से इंडिकेट कर दिया, तो ये हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं अपना सेंसर को करते हैं कनेक्ट, तो ये देखिए सेंसर हमने कनेक्ट कर दिया। तो देखिए वीसीसी आपको पता है वीसीसी 5 वोल्ट का यहाँ कनेक्ट हो गया है और जो ग्राउंड है इसके वजह से ग्राउंड इसमें आ गया, ठीक है। ये तो आपका हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या देना, ट्रिगर। ट्रिगर आपका क्या काम करेगा, जो ट्रिगर है ये आपका काम करेगा कि जब भी यहाँ से जो वेव्स निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से जो वेव्स निकलेंगे, अभी आपको यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है लेकिन, और ये फिजिकल तौर पे ज्यादा अच्छे से बनता है फिजिकली, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो यहाँ थोड़ा बहुत, आपको जब हमारी ये कोडिंग हो जाएगी तो आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जरूर दिखेगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जब मैं क्लियर करूंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर हमने अपने कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग आते हैं ट्रिगर, तो ट्रिगर को हम लोग किसी भी पिन से जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ट्रिगर को हमें किस पिन से जोड़ना। तो मैंने एक काम किया, मैंने इसको 13 नंबर की पिन से जोड़ दिया, ठीक है। इसका मैंने कलर कर दिया है ब्लू कलर, मैंने इसका कर दिया, ओके। तो 13 नंबर की पिन से जोड़ दिया। अब रहा इको, इको क्या करता है, जो यहां से वेव्स निकलेंगी फिर उसका वो जो भी वेव्स यहां से निकलेंगे जब वो वेव्स बंद हो जाएंगे तो ये आपके डिस्टेंस मेजर करेगा। तो यहां पे इको है, इको को हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से इको आपका इनपुट मोड का काम करेगा, ठीक है, और जो 13 है वो आपका आउटपुट। तो इसको मैंने 12 पे कनेक्ट कर दिया इको को, और इको का मैंने कलर चेंज करके ऑरेंज कर दिया, ठीक है। कनेक्शन हमारा हो चुका है, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, कोडिंग पे आना है। कोडिंग को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट आने लगी है, पहले तो बहुत इजी होती थी लेकिन अब थोड़ी डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हमने जो एलईडी आउटपुट मोड पे लगाई है, जो कि हमारी कौन सी है, एलईडी नंबर 13 है, सॉरी एलईडी नहीं, एक्चुअली पिन नंबर की बात करेंगे, बाय मिस्टेक से एलईडी बोल दिया मैंने, एलईडी नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है पिन है। तो हम लोगों ने क्या किया, 13 नंबर की पिन को आउटपुट मोड पे ओपन किया है, और इसके बाद जो इको है उसको हमने किस पे कनेक्ट किया, इसको हमने 12 पे कनेक्ट किया है। तो जो आपकी इको है उसको 12 पे कनेक्ट किया है, तो वो हमारा क्या रहेगा, इनपुट, क्योंकि वो हमारा इनपुट रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे हम जस्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका आउटपुट के प्लेस पे आ जाएगा यहाँ पे इनपुट। तो ये हो गया आपका इनपुट, ओके। और जो पिन नंबर है वो आपकी है 12, तो 12 इतना हो गया। तो बॉयड सेटअप के अंदर हम लोग इतना काम करते हैं, तो वो हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद बात आती है कि हम लोग जैसे कि अभी हम मान के चल रहे हैं, या फिर अभी तो आपका सेंसर क्या है, ऑफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना, अगर आपको मान के चलिए अगर नहीं है श्योरिटी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार उसको फिर से ऑफ ही कर देते हैं। वैसे तो ऑफ है लेकिन हमने कहा कि ये हमने इसको सेट कर दिया 0 पे, हमने मान लिया कि वैसे तो ऑफ है लेकिन हमने कोडिंग में दिखा दिया कि अगर नहीं भी है तो हमने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, कोडिंग में दिखाने के लिए। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे डिले वाला फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो काम होता है वो माइक्रो सेकंड में काम होता है, तो एक फंक्शन होता है डिले माइक्रो सेकंड्स, ठीक है। तो फंक्शन होता है डिले माइक्रो सेकंड्स, और एम इसका कैपिटल होता है। यहां मैंने दे दिया है 2 माइक्रो सेकंड, ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा डिले के अंदर, क्योंकि डिले हमारा मिली सेकंड में लेता है, तो माइक्रो सेकंड को हमें 2 माइक्रो सेकंड को मिली सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब डालना पड़ेगा। इससे अच्छा बेटर क्या है, जो फंक्शन है हमारे पास फंक्शन का यूज करिए। तो यहाँ पे 2 मिली सेकंड हमने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद मैंने कहा जब 2 मिली सेकंड तक, मतलब क्या हुआ, ये अपना ये हमने बंद ही किया, एक्चुअली बंद रहता है लेकिन हम लोगों ने कोडिंग के हिसाब से कर दिया। तो मैंने कह दिया कि अब हमारी जो वेव्स हैं, अब वो वेव्स निकलना स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या है डिजिटल राइट, और हमारी पिन भी क्या है 13 ही है, तो हमने कह दिया डिजिटल राइट बन। तो अब हमारी ये वेव्स निकलेंगी, और हमने बोल दिया ये वेव्स हमारी 12 मिली सेकंड तक निकलती रहे, मतलब जो यहाँ से ऑब्जेक्ट होगा तो वेव्स आपकी निकलती रहेंगी, जिससे कि वो कहाँ कहाँ जा रहा ऑब्जेक्ट वो मेजर होता रहेगा, ठीक है। तो 12 मिली सेकंड मैंने इस पे दे दिया है, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद क्या किया, डिजिटल राइट में आके इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ठीक है। मतलब 12 मिली सेकंड बाद अब कितने कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ मूव हुआ, सब हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब ऑफ करने के बाद कि अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने इतनी वेव्स तो निकाल दी, मतलब इसका काम होगा, ट्रिगर का काम होगा, इको क्या करेगा, उसको रीड करेगा। इको के लिए हमने कौन सी पिन ली है, पिन नंबर 12, अब हम रीड करेंगे, ठीक है। तो रीड करने के लिए हमने अभी बताया आपको कि हमारे पास फंक्शन होता है, वो होता है पल्स इन। तो मैंने एक फंक्शन लगाया पल्स इन,
ठीक है, पल्स इनके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, जो हमारी पिन थी और उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर ऑन कर दिया, एक तरह से यहाँ पे क्या कहते हैं हाईपर सेट कर दिया है कि जो भी आती है वो मतलब हाई यहाँ पे सेट कर दिया कि कितना आपका आया है, तो वो यहाँ पे सेट होके वन में आपका हो गया, मतलब क्या कर दिया एक तरह से ऑन कर दिया, जो आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो हमने उसको लगातार ऑन रखा है। ऑन करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, वो वैल्यू आपकी इंटीजर टाइप की आएगी, तो एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है, पाइथन का जिसने पढ़ा होगा तो पाइथन में एंट्री लगाते हैं लेकिन इसमें एंट्री लगाते हैं, बाकी सी लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है इसमें जो एम्बेडेड सी है ज्यादा सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो छोटी मोटी चीजें मैं अभी आपको पहले करा रहा हूं क्योंकि मेरा टारगेट यह है कि पहले मैं आप लोगों को सारे प्रोग्राम पढ़ा दूं, नहीं तो अभी हम लोग 20 से अगर प्रोग्राम 20 से अगर सी लैंग्वेज पढ़ते तो फिर क्या होता आप लोग पुराने प्रोग्राम भूल जाते, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा इसको समझिए कि यहां से जो भी पल्स आएंगी वो किसमें आएगी, आपकी नंबर में आएंगी, तो हमने यहाँ पे नंबर डी में स्टोर करके रख लिया, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि डी नंबर में जब हमने इसको रखा तो इतना ही आपका आंसर आ गया, ओके। इसके अलावा बात आती है, थोड़ा सा एक काम करते हैं साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको और भी क्लियर दिखेगा। तो यहां पर ये मिली सेकंड का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हमने कहा कि एक काम करते हैं अपन लोग कि हमें यहां पर डिले का तो कोई यूज है ही नहीं है, तो इसकी तो डिले की टेंशन लेनी नहीं है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस जो हमें मिली है, ठीक है, यहाँ पे हमें जो भी आंसर आएगा किसमें मिलेगा वो हमारा डी में आएगा, ठीक है। जो भी ड्यूरेशन रहा जो भी आपका रहा वो किसमें रहा, डी में रहा है, तो कितने टाइम तक है कितना क्या है वो हमें इसमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे जो टाइम है, टाइम हमें यहाँ पे मिल गया है, फॉर्मूला होता है आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू, जैसे अभी मैंने बताया था तो मैंने डिस ले लिया, डिस इक्वल टू, तो देखिए जो भी आपका टाइम आ जाएगा वो हमारा डी में आ जाएगा, जो भी टाइम है वो किसमें आ जाएगा, डी में आ जाएगा। और इसके बाद आपको पता है मैंने अभी जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि जो टाइम रहता है उसका जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर में तो वो हमारा रहता है 0.034, तो इस 0.34 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर 0.034 इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज इसमें समझने के लिए है कि जो ये डिस्टेंस देता है, ठीक है, जो हमारी ये डिस्टेंस देगा जब हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देता है तो ये दोनों तरफ से देता है, जो आपका ये फॉर्मूला है या फिर यहाँ पे अगर ये जो रहेगा ये यहाँ से अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो यहाँ से भी देगा डिस्टेंस, यहाँ से भी देगा, ठीक है। तो चलिए डायग्राम से थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, इस तरह से रहेगा, जैसे मान के चलिए ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है और ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर आपका ये हो गया और ये मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये आपके तो ये आपका ट्रिगर के लिए हो गया, ये आपका इको के लिए हो गया, तो यहाँ से जो आपका सिग्नल जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है या फिर यहाँ से ये जा रहा है इस तरह से जा रहा है और यहाँ की जो दूरी है वो इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी क्या होगा, यहाँ से वेव्स निकलेंगी, जो आपकी वेव्स होंगी वो आपकी कहाँ से निकलेंगी, वो आपकी वेव्स यहाँ से निकलेंगी ट्रिगर वाले साइड से, तो जो वेव्स आपकी यहाँ से कंटिन्यू निकल रही है इस तरह से निकल रही है, तो एक तरह ये दूरी रहेगी और यहाँ से जो जाएगी ये आपका रिसीव करेगा, तो यहाँ पे जब अपनी जो डिस्टेंस आएगी, हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू, ये डिस्टेंस यहाँ की भी मिलेगी हमें और यहाँ की भी मिलेगी, लेकिन हमें कहाँ की चाहिए, हमें सब एक साइड की डिस्टेंस चाहिए, मैं दोनों साइड कहते हैं ना कि ये अगर दो पॉइंट है ए और बी दो पॉइंट है तो हमें अगर डिस्टेंस है तो हमें क्या कहां की डिस्टेंस दे देगा, हमें ए से बी की भी दूरी निकाल के दे देगा, बी से ए की भी दूरी निकाल देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ए से बी की दूरी चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक साइड की चाहिए ये, और ये हमें जो फॉर्मूला है ये हमें दोनों साइड की दूरी देगा, ए से बी की भी दे देगा और बी से ए के भी दे देगा, लेकिन हमें एक साइड की चाहिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी एक साइड की दूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे, यहां पर हमें जस्ट डिवाइडेड बाय टू कर देना है, जैसे डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो आपका जो डिस्टेंस है वो डिस नाम के वेरिएबल में आ गया। अब बात करेंगे हम क्योंकि यहां पर क्या है, हमें एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें दोनों साइड की दूरी नहीं चाहिए थी, हमें सिर्फ एक ही साइड की दूरी बतानी थी, तो हमने डिवाइडेड बाय टू कर दिया। अब प्रिंट करने के लिए आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं सीरियल डॉट प्रिंट एल, हम लोग इसका आंसर किस पे देखना चाह रहे हैं, सीरियल मॉनिटर पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर हम लोग सीरियल मॉनिटर पे देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया DIS डिस, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, ये हो गया आपका डिस्टेंस के लिए, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पे आपको पता है कि हमें यहाँ पर इसको सेटअप फंक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ता है सीरियल के लिए, तो सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है, सीरियल डॉट बिगिन हमें जब सीरियल मॉनिटर यूज करना होता है तो हमें यहाँ पे देना होता है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। अब बात करते हैं, यहाँ पे डिस्क भी दे दिया, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, ये सीरियल मॉनिटर है, अभी इस पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है और अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं रन करूंगा तो एक आपको एक वर्चुअली एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, हालांकि ये ज्यादा आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देगा लेकिन आप लोग समझ पाएंगे क्योंकि मैंने आपको इतना क्लियर किया है तो आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे। इसमें आपको करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिजिकल तौर पर अगर हम लोग एक क्या करें एक ऑब्जेक्ट ले और आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करें तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिलेगा। चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, देखते हैं अगर कहीं पे कोई गलती आ रही है तो वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है सेमी कॉलन नहीं है,
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगाता हूँ और यहाँ पर भी लगा देता हूँ क्योंकि सी है तो इसमें सेमी कॉलन देखना पड़ता है। इसके अलावा अब भी क्या बता रहा है void, यहाँ पे मैंने क्या बताया था पार्स इन है ना, पार्स इन नहीं होता है, पार्स इन होता है, सॉरी पल्स इन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया है वर्चुअली, अगर आप देखें, और सीरियल मॉनिटर देखिए अपना सीरियल मॉनिटर बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं, इसको मैंने यहाँ किया और जस्ट यहाँ ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया ना, क्योंकि हमने अपनी कोडिंग लगाई है तो इस ऑब्जेक्ट को हम देखिए कम ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ भी रहा है वो टाइम दे रहा है और बगल में हमारी डिस्टेंस दे रहा है, तो कितने टाइम पे कहाँ कहाँ जा रहा है, ये आपका टाइम है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जरा सीरियल मॉनिटर देखिए आप कितना डिस्टेंस बता रहा है, 70 है, देखिए हमारी 70 ही डिस्टेंस चल रही है, और ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा बहुत मूव कम ज्यादा करेंगे, मूव वगैरह करेंगे, ये देखिए 1 मिनट यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंसर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट इसको हटाते हैं यहाँ पे, 1 मिनट ये हमने क्लिक किया, क्लिक करने का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हाइड हो रहा है, 70 बता रहा है, ये देखिए देखिए कम हो रहा है, आप यहाँ देखिए सीरियल मॉनिटर पे देखिए उतना ही दे रहा है जितना हमारे यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम कम ज्यादा कर रहा है तो हमें यहाँ पे पता, देखिए 19 है तो देखिए 19 point something आ रहा है, और जैसे मैं और क्लोज आएगा और क्लोज आऊंगा तो धीरे धीरे करके देखिए 12 पे आया, क्योंकि ये इस यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें बताया ना आपका जो प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे तो उसमें मेरे को परफेक्ट आएगा, यहाँ थोड़ा सा क्या है स्लो डाउन चलेगा क्योंकि नेट पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, थोड़ा सा यहाँ पे कोडिंग पे भी, ये देखिए 6 है तो देखिए 6 दे रहा है, ठीक है। पॉइंट का हालांकि नहीं लेंगे क्योंकि हमने इंट लिया हुआ है तो पॉइंट का नहीं लेंगे, फ्लोटिंग में लेते हैं, तो ये देखिए मेरे को परफेक्ट वर्क कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे और दूर ले जाएंगे तो देखिए 46, तो थोड़ी देर बाद आपका 46-45 के कन्फर्म आ जाएगा। तो ये आपने देखा ऐसे हम लोग अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर का वर्क करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं, देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जितने भी ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा जब फिजिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा, और वैसे भी आपका अप्रॉक्स परफेक्ट ही चल रहा है 47-48, ठीक है। पॉइंट वाला नहीं ले रहा है क्योंकि हमारा इंटीजर वेरिएबल है इस तरह से, बाकी देखिए बिल्कुल सही है। तो ये आपका होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि हमारे डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हमें बताता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास काफी अच्छी लगी होगी, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा डिले माइक्रोसेकंड फंक्शन का यूज किया है, 12 microsecond के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हुआ अल्ट्रासोनिक सेंसर का कोडिंग, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट कोडिंग नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैं कम्युनिटी टैब पे आपको बता देता हूँ कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कोई भी किस क्लास हम लोग अपलोड करने वाले हैं वो हम आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।